तो 6.3 का इंट्रो पार्ट हो गया, चलो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, बेसिक स्टार्टिंग तो बेसिक से हुई। खैर फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि फाइंड द स्लोप, लेकिन मीनिंग समझो इसका, फाइंड द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट टू द कर्व। अभी ये कर्व है, अभी ऐसा कर्व है कि जो कि बाई क्वाड्रेटिक है, मतलब इसकी डिग्री कितनी 4 है। तो अगर यार इसका ग्राफ बनाने बैठोगे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसका केवल कंसेप्ट समझो, रफली फिगर बनाते हैं। मतलब क्या बोल रहा है कि ये जो ग्राफ है ना, इस ग्राफ पे कहीं पर इस तरीके से रफली समझो ना, ये मान लो ग्राफ है, जनरली ग्राफ बना लेते हैं हम लोग समझाने के लिए। y इक्वल्स टू 3x की पावर 4 माइनस 4 है, कहीं ना कहीं यहाँ पे x की जगह 4 जरूर होगा। मैं अगर सपोज यहाँ पे 4 होगा तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट जाएगा। सही बात है, एक टेंजेंट जाएगा ये रहा। अब कह रहे हैं कि इस टेंजेंट का स्लोप फाइंड करो, इस टेंजेंट का स्लोप फाइंड। अब ये पॉइंट क्या होगा, x की जगह 4, और अगर यहाँ पे x की जगह 4 रखोगे y निकल आएगा, तो रखो x की जगह 4, बहुत लेंथी जाएगा। मैं अभी सब y समझ लेता हूँ, छोड़ो, क्यों हम केवल कंसेप्ट समझा रहा हूँ। तो इस पॉइंट पे ये टेंजेंट जा रहा है, इसका स्लोप फाइंड करो। तो मेरे भाई स्लोप होता है dy ओवर dx उस पॉइंट पे, यस और नो? करो भैया डिफरेंशिएशन, 4 3 12 एक्स क्यू माइनस का 4, एक्स की जगह 4 रख दो और वाई की जगह जो भी सॉल्व, वाई तो है नहीं कि यहाँ पे, तो बस एक्स की जगह रख दो। तो बस ये निकल के आ गया इस लाइन का स्लोप, क्लियर है? जो भी कुछ आए वो कैलकुलेशन डू योरसेल्फ, कंसेप्ट समझो बस। केवल सेकंड क्वेश्चन कह रहे हैं कि फाइंड द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट टू द कर्व। इसमें कर्व भैया ये हो जाएगा एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एट एक्स इक्व टू 10। और एक चीज इन्होंने बताई है कि यह जो x है ना वो 2 नहीं हो सकता। सही बात है, 2 कैसे हो सकता है, अगर 2 होगा तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा फिर ये, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन करेंगे और x की जगह 10 पुट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड क्वेश्चन, ये सेकंड था, थर्ड कह रहे हैं फाइंड द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट टू द कर्व। कर्व भैया इस तरीके से है, एट अ पॉइंट, सुनो जरा, फाइंड द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट ऑफ द कर्व एट अ पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 2। x कोऑर्डिनेट क्या है वहां पे 2। अब देखो जरा ये सब कोई भी कर्व होगा, x कोऑर्डिनेट हमने कहा सपोज यहां पर x कोऑर्डिनेट 2 है, ये मान लो 2 है ये, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया 2 और ये y निकाल लेना पुट करके जो भी कुछ आए। तो बस यार dy ओवर dx और x की जगह क्या पुट कर देना, 2 पुट कर देना, आंसर आ जाए। x कोऑर्डिनेट 2 है मतलब x की जगह 2 पुट कर देना। अब आप कहेंगे सर y का तो यूज ही नहीं हो रहा है, अरे यार जब डिफरेंशिएशन करोगे अगर कहीं y आएगा तो y की जगह जो भी आंसर है उसको पुट कर देना, तो हमारे ऊपर है ना, y तो आएगा ही नहीं क्योंकि पूरा ही फंक्शन x में है। चलिए फोर्थ, फाइंड द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट टू द कर्व एट अ पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 3। अरे यार x कोऑर्डिनेट 3 x की जगह, सेम ऐसा ही चेप देना। फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल, अब अभी तक चारों क्वेश्चन थे किसके थे, टेंजेंट के थे, अब किसका आ गया नॉर्मल का। कर्व क्या है, पैरामेट्रिक फॉर्म में है और y इक्वल्स टू a साइन एट थीटा इक्वल्स टू 4। तो यार सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, dy ओवर dx, क्लियर है, किस पॉइंट पे, x कॉमा y पर। अब यार dy ओवर dx कैसे निकालेंगे, थीटा क्या है, पाई बाई 4 है, मैंने ऑलरेडी 4 रख दिया, पाई बाई। अब dy ओवर dx कैसे निकालेंगे, तो चलो देख लो जरा, कर देते इसको सॉल्व, अच्छा क्वेश्चन है ये, कर लेंगे। यस बात नहीं कर भैया, अब मत कहना मलिक है। चलो dx ओवर d थीटा, तो क्या होगा 3a cos स्क्वायर थीटा, और cos का क्या होगा sin थीटा, ऐसे ये क्या होगा dy ओवर d थीटा 3a sin स्क्वायर थीटा इनटू, आपको ये मत पूछना कहां से है यार, डिफरेंशिएशन किया बच्चों वाली बातें हैं। तो dy ओवर dx क्या होगा, इस वाले में डिवाइड तो कर देते हैं, थोड़ा फास्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि चैप्टर 5 का कंसेप्ट है। थ्री एस थ्री क्या, एक साइन क्या, एक कॉस, एक कॉस गया क्या, तो माइनस का 10 थीटा, ठीक है सर। अच्छा किस पे फाइंड करना है, पाई बाई 4 थीटा, ये क्या पुट कर देंगे पाई बाई 4, तो माइनस 10 पाई बाई 4 कितना होता है माइनस, तो स्लोप कितना निकल गया, गया? लेकिन भैया ये टेंजेंट का निकल गया है डियर, सारे बच्चे यही यही गलती करके आते हैं। ये जो फॉर्मूला होता है ये स्लोप ऑफ अ टेंजेंट होता है, मतलब मान लो ये कर्व होगा, हमने इसका निकाला, ये इसका इस पॉइंट पे
हमसे तो नॉर्मल का पूछ रहा है जिसपे क्या होगा परपेंडिकुलर, तो इसका जो स्लोप होगा इसका इनका प्रोडक्ट क्या होगा माइनस वन। तो अगर मैं ये लिख दूं स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना होता है माइनस वन, तो टेंजेंट का कितना निकल गया है माइनस वन, इसका मान लो स्लोप एम है तो इसका कितना आएगा वन। आंसर चेक करेंगे एक बार, ठीक है सर। तो ये था, ये गलती करके आते बच्चे टेंजेंट का इस तरीके से नॉर्मल का इस तरीके से, क्लियर है। तो चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हटाओ इसको आगे कोई एक क्वेश्चन नंबर सेवन, सिक्स एकदम उसी की तरह था इसीलिए मैंने छुड़वा दिया। क्वेश्चन सेवन देखो, कह रहे फाइंड पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व। ये क्वेश्चन है क्यों, देखो जब देखो क्यों बता रहा हूँ, छुड़वाने को ये भी छुड़वा सकता था लेकिन कंसेप्ट थोड़ा सा अलग लगा मुझे। कह रहे एक पॉइंट बताइए किस पे, इस कर्व पे। अब इसका कुछ ना कुछ तो कर्व होगा, तो कह रहे वो पॉइंट ऐसा है, वो पॉइंट ऐसा है कि अगर उससे हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो एक्स एक्सिस से क्या है वो पैरेलल है। बात समझो, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि इसका कुछ ना कुछ ग्राफ होगा। अब इस ग्राफ पे हर पॉइंट पे एक यूनिक टेंजेंट जाता है, हमने पढ़ा है इस पॉइंट पे ये टेंजेंट, सॉरी ये टेंजेंट होगा, इस पॉइंट पे ये टेंजेंट होगा, इस पॉइंट पे ये टेंजेंट होगा। एक ग्राफ में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स वी कैन ड्रॉ, यस और नो? लेकिन ये क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं भैया वो वाला पॉइंट बताइए, वो वाला पॉइंट बताइए कि जो टेंजेंट ड्रॉ हुआ है ना वो एक्स एक्सिस के क्या है पैरेलल है। मतलब क्या हुआ, रफली मैंने सपोज एक ये फिगर ले लिया, अब इस पॉइंट पे जो ये टेंजेंट जा रहा है ये इस लाइन इस एक्सिस के क्या है पैरेलल, तो ये पॉइंट बताओ। तो ये अब एक चीज और जान लो, अगर ये इस पॉइंट से एक ऐसा टेंजेंट जा रहा है जो एक्स एक्सिस के क्या है पैरेलल, तो अब इस ग्राफ पे कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो कि एक्स एक्सिस के क्या होगा पैरेलल। लेकिन इस पॉइंट, लेकिन वैसे तो अगर ये ग्राफ मान लो ऐसा हो तो कई सारे पॉइंट ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। इस पॉइंट पे ये जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस क्या है पैरेलल, तो इस पॉइंट को आपको बताना है एक्स और वाई, ठीक है डियर। अच्छा, और ग्राफ की इक्वेशन ये रही। एक बात सुनो यार जरा, ये जो लाइन है या ये जो टेंजेंट है, क्योंकि टेंजेंट भी तो स्ट्रेट लाइन होती है, ये एक्स एक्सिस की क्या है पैरेलल, तो पढ़े लिखे आदमी क्या इसका स्लोप जीरो नहीं होगा? स्लोप जीरो नहीं होगा क्योंकि ये एक्स एक्सिस से क्या है पैरेलल, तो एंगल कितना बना जीरो, एम बराबर होता है टेन थीटा, तो इस पॉइंट पे स्लोप कितना हो गया जीरो हो गया। अरे बात समझ में, तो क्या आप ये लिख सकते हो, मुझे जरा सोच समझ के बताइए, डी वाई ओवर डी एक्स एक्स कॉमा वाई इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये फॉर्मूले से क्या चीज फाइंड करते हैं स्लोप ऑफ अ टेंजेंट और जो कि क्या है जीरो। बात समझ आ रही है? तो बस यार कर दो डिफरेंशिएशन, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 इक्वल्स टू जीरो बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चमका 3 आ रहा है कॉमन, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 इक्वल्स टू, वेरी गुड, चेक कर रहा था मैं। तो अब क्या होगा, ये माइनस का 3x प्लस का x माइनस का 3 इक्वल्स टू जीरो, तो x कॉमन लिया, x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन लिया, तो x माइनस 3, तो x के दो आंसर आएंगे क्या क्या, माइनस 1 और 3, ठीक है सर। तो मैंने क्या बताया था अभी, क्या पता कई सारे पॉइंट होंगे ना, लेकिन अगर इतने यहां से यहां तक की बात करते हो क्या एक ही पॉइंट होगा, ठीक है सर। तो चलो एक बार रखो x की जगह माइनस वन, तो y कुछ ना कुछ आएगा, आपने x की जगह रखा माइनस वन तो y कुछ ना कुछ आएगा, डू योर सेल्फ। x की जगह रखा आपने 3 तो y कुछ ना कुछ आएगा, यस और नो? क्या आएगा बताओ, ट्वेल्व आएगा, माइनस 20, तो बस ये दो पॉइंट हो गए माइनस वन कॉमा 12 और 3 कॉमा माइनस 20। ये अब सुनो इसका मीनिंग समझो क्या हुआ, इसका अगर आप जेन्युइन ग्राफ बनाएंगे, जेन्युइन ग्राफ बनाएंगे तो इन दोनों पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो 100% वो एक्स एक्सिस के क्या होंगे पैरेलल। बात समझ आ रही है, क्वेश्चन की कंसेप्ट को समझिए भैया, आंसर आपने बोले हैं जेन्युइन है कि नहीं आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। क्योंकि कैलकुलेशन के लिए मैं वीडियो लेंदी नहीं करूंगा, कंसेप्ट के लिए हो सकता है मैं काफी टाइम लूं, लेकिन कैलकुलेशन तो खुद से करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी की तरह है ठीक ठाक, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो बात नहीं करें, कह रहे फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व। भैया ये रहा,
अब छोड़ो ना, हम जेन्युइन ग्राफ पे क्यों जाएं? वैसे आपकी बात ठीक है, बट हम जेन्युइन ग्राफ पे क्यों जाएं? इनकी बात ये है कि सर एक्स नेगेटिव है और एक बार एक्स थ्री, तो एक्स नेगेटिव इस तरफ होगा वाई, और ये अगर वाई नेगेटिव पक्की बात है ग्राफ नहीं जाएगा। हम ग्राफ की स्टडी करें क्यों? हमसे तो वो कैसे पूछा ना, ग्राफ बनाना कोई टफ वर्क थोड़ी ना, यहाँ पे रखते जाओ एक्स की वैल्यू वाई आती जाएगी। चलिए और एक चीज की क्लियर करूं, इसकी जो डिग्री है वो थ्री है, मतलब मैक्सिमम पावर की, तो पक्की बात इसका जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को तीन बार कट करेगा। ये हम लोग क्लास टेंथ में पढ़ा हुआ है, ठीक है, पर हम मैं बता रहा हूँ, लेकिन जाना तो बेवकूफ़ी है इस पर, नॉलेज के लिए पढ़ो। तो अच्छा अच्छा क्वेश्चन था प्रीति का, कह रहे फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व। अब इसका यार कोई कर्व होगा, देखो कायदे में तो कर्व इसका जेन्युइन हम क्यों बनाए, हम केवल हमने कंसेप्ट समझेंगे। सपोज मैंने कहा ये रहा कर्व, यस और नो, क्योंकि कर्व इसलिए बना के समझाते, एक इमेजिनेशन दिमाग में एक इमेज बन जाती है हमारे। तो कह रहे भैया ये कर्व है, चलो ये रहा एक कर्व। चलिए फिर क्या आगे बोले, एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना इस कर्व पे, कैसा, कि उस पॉइंट से जो टेंजेंट पास होगा, उस पॉइंट से जो टेंजेंट पास होगा वो पैरेलल टू द कॉर्ड। ओके, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ, ये ग्राफ की इक्वेशन ये है, कह रहे एक ऐसा पॉइंट फाइंड करो कि जहां से जो टेंजेंट जाएगा वो इस कर्व के कॉर्ड के क्या होगा, पैरेलल। तो मान लो कॉर्ड ये रही इसकी, ये सी क्या हो गई, कॉर्ड हो गई। तो कॉर्ड के पॉइंट्स दिए गए हैं, क्या दिए गए भैया, 2.0 और 4.4। तो ये पॉइंट बताओ, अब देखो सुनो, जो यार ये ग्राफ है ये जेन्युइन नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है, बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि 2.0 तो यहां हो ही नहीं सकता, ठीक है, वो तो ये इस पे होगा एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ग्राफ को केवल इसलिए समझाते हैं, एक इमेजिनेशन के लिए। एक बात सुनो यार, ये जो कॉर्ड है ए बी और ये जो टेंजेंट है एल, क्या ये आपस में पैरेलल हैं, क्योंकि गिवन है। तो एक बात बताना जरा, अगर मैं ये लिखूं स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन एल, यस और नो, दोनों आपस में क्या है, पैरेलल। और हमने क्लास 11 स्ट्रेट लाइन बहुत अच्छे से पढ़ा है, किसी भी दो पॉइंट अगर गिवन है तो स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 - y1 / x2 - x1। तो यार ये लो x1 और ये लो y1, ये लो x2 और ये लो y2, तो y2 - y1 / x2 - x1। तो ये स्लोप किसका निकल गया, लाइन एल का, ठीक है। तो कितना आ गया, 2 आ गया, पक्की बात है ना। अब सुनना मेरे भाई ध्यान से, ये इस लाइन का स्लोप आ गया, मान लो सर ये पॉइंट x, y है, तो क्या मैं 2 के बराबर ये लिख सकता हूँ, dy/dx x, y, यस और नो, यही तो होता है यार स्लोप, होता है क्या स्लोप, यही होता है। तो बस अब कर दो 2 इसका डिफरेंशिएशन, तो 2x - 2 और कुछ होगा नहीं, फिर 2 से 2 कट गया, x कितना आ गया 2, मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2, और x की जगह रखो 2, तो कितने आ गए 2.0। चमका, कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं भाई, क्या कौन सा ये कट नहीं जाएगा मल्टीप्लाई में, ये बताइए, मैं बहुत डीप में चेक कर रहा था आप लोगों, 2 से 2 कटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, है दे यार आकाश, x बराबर कितना होगा 3 पे, अरे छोड़ना इस बात को, यही दबाव इतना इच्छा रहेगा, सही है 3.1। अब ये आपको उपासना बताएगी, चलिए यस बाबू क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। सुनो भैया कर्व क्या है, कर्व ये रहा, हाँ कर्व की क्वेश्चन है ये, सुनो रफली फिगर बनाएंगे, कह रहे ये एक कर्व है, कर्व की क्वेश्चन है y = x³ - 11 है, और बच्चे की फरमाइश आई कि सर इसे पूरा करना, तो पूरा देखेंगे। कह रहे इस कर्व पे एक पॉइंट फाइंड करो, मान लो बोर पॉइंट ये रहा, इस पॉइंट को ही तो हमको फाइंड करना है, तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या ले लो, x, y, x1, y1, x2, y2 कुछ भी ले लो, चलिए एट विच, और इस पॉइंट से एक टेंजेंट जा रहा है, क्या जा रहा है, और इस टेंजेंट की इक्वेशन हमको दे दी गई है, पहले तो क्वेश्चन समझो, ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने थे डियर, पक्की बात है, और इस पॉइंट से एक टेंजेंट जा रहा है जिसकी इक्वेशन ये है, और टेंजेंट भी क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, बात समझ आ रही है। चलिए अगर मेरे भाई, अगर मैं ये लिखता हूं dy/dx x, y, तो ये क्या निकल के आता है,
स्लोप ऑफ लाइन, चलो इसका नाम मैं एल दे देता हूं, यही तो निकल गया आता है। अगर मैं dy ओवर dx करूं और उस पॉइंट की वैल्यू पुट कर दूं तो स्लोप ऑफ अ लाइन निकल के आता है। बहुत बढ़िया, इसे यहीं पे छोड़ो। अब आपको समझाते हैं, थोड़ा सा लेके जाएंगे 11th क्लास में। अगर कोई y equals to mx plus c में किसी इक्वेशन को हम कन्वर्ट कर दें तो उस लाइन का स्लोप क्या होता था, m। बात समझ आ रही है? तो अगर मैं आपसे ये पूछूं स्लोप ऑफ लाइन एल वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करो तो एम बराबर कितना आएगा, वन। यस और नो, बात समझ आई ना? क्या आएगा, वन आएगा। तो ये सब झमेला हटाओ और इसकी जगह क्या मैं वन लिख सकता हूं, यस और नो? क्योंकि इस फॉर्मूले से स्लोप निकल के आएगा इस टेंजेंट का, और इस टेंजेंट का स्लोप हमने यहां से निकाल लिया, होंगे तो दोनों बराबर ही। अब कर दो यार डिफरेंशिएशन, तो 3x स्क्वायर माइनस का 11 इक्वल्स टू 1, 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 12, x स्क्वायर इक्वल्स टू 4 और x बराबर क्या आएगा, प्लस माइनस 2। तो एक बार x की वैल्यू रखो प्लस 2 किसमें, इसमें रखोगे तो y कितना निकल गया आएगा, जो भी निकल गया है। एक बार x की जगह माइनस 2 रखोगे तो y के जो भी निकल के आएगा, क्लियर है? अब आप कहीं तो आंसर मिल गए, जो भी कुछ आए छोड़ो आंसर छोड़ो। अब आप कहेंगे सर था, मैं ही पहले बता दूं आंसर निकल गया क्या, नंबर मिल गया आपको। अब लेकिन मैं क्वेश्चन को जानबूझ के थोड़ा इंटेंस ना दी लॉजिक की बात बता रहा हूं कि सर क्या क्वेश्चन के आंसर का मीनिंग क्या हुआ, क्या दो दो मतलब कैसे, दो दो कैसे? एक बात सुनो, ये ग्राफ तो यार हम बनाते हैं रफली, ये क्यूबिक ग्राफ है, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, जो भी कुछ होगा इस तरीके से इसका ग्राफ होगा रफली तरीके। इसीलिए दो पॉइंट हमको मिल जाएंगे इस तरीके से, इसका भी स्लोप वन है और एक इस तरीके से मिल जाएगा, इसका भी स्लोप वन होगा क्योंकि ये दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल। ठीक है सर, तो ये दो पॉइंट इस ग्राफ पे मिलेंगे क्योंकि यार ये जो टेंजेंट है इसका भी स्लोप वन होगा और ये जो टेंजेंट होगा इसका भी स्लोप क्या होगा, वन होगा। ठीक है, तो ये लॉजिक वाली बातें हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। अब देखिए ये कह रहे हैं कि पीछे आंसर ये है। अब देखो क्या होता है हमारे, चलो इसका आंसर अब बताओ तो तुम जरा मुझे, टू कॉमा टू कॉमा माइनस नाइन, ठीक है माइनस 13, कैलकुलेशन ठीक की ना? अब ये कह रहे हैं सर पीछे आंसर एक आ रहा है, चलो ठीक है ठीक है, अच्छा आपने भी मुझे रिकॉल करा दिया। एक बात सुनो, ये यही तो पॉइंट है, ये ऐसा पॉइंट है जो इस लाइन में भी कॉमन है और इस ग्राफ में भी कॉमन है, यस और नो? तो ये इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा, यस और नो? पीछे आंसर कौन सा नहीं है, ये वाला नहीं है, तो ये एक ऐसा पॉइंट होगा, अभी मैं आपको रख के दिखाता हूं, जो इसको सेटिस्फाई करेगा तो इसको नहीं करेगा, इसको करेगा तो इसको नहीं करेगा, अभी पता लग जाता। देखो कैसे, देखो कैसे, चलिए रखो भैया वाई की जगह माइनस 13 और एक्स की जगह माइनस का 2 और ये कितना 11, कंडीशन सेटिस्फाई, हाँ चलो इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब इसको नहीं कर रहा होगा। चलो रखो भैया वाई की जगह माइनस 13 माइनस 2 का होल क्यूब 11 इंटू माइनस 2 प्लस का 5, तो ये माइनस का 8 प्लस का 20 प्लस का, तो क्या ये सेटिस्फाई कर रही है, नहीं कर रही है। 22 और 5 कितना होता है 27, 27 से 8 गया 19, ये 19 और ये माइनस, तो क्या ये बराबर हो सकते हैं? तो ये जो पॉइंट है इनको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसलिए आंसर सी से हटा दिया गया, चमका। लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट होगा जो इसको और इसको दोनों को सेटिस्फाई कर रहा होगा, बस ये है पीछे इसलिए। ठीक है, अच्छा रहा मैं तो यहीं छोड़ देता, आपने आंसर देखा तो मुझे भी याद आ गया इसलिए। ठीक है, हाँ लेकिन बोर्ड में आपको चेक करना पड़ेगा, मैं भूल गया लेकिन आप मत भूलना। ठीक है, सब हो जाता है सर, हर क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस, लाइंस है मतलब एक से अधिक लाइंस हैविंग अ स्लोप माइनस, जिनका स्लोप क्या है माइनस 1, दैट आर टेंजेंट टू द कर्व। भैया इसका मीनिंग समझ लो मेरे भाई, इसका मीनिंग समझो, इसका कोई ना कोई एक कर्व होगा जेन्युइन कर्व। तो इसका देखो जेन्युइन कर्व की अगर हम बात करें तो मुझे जो याद आ रहा है वो कुछ इस तरीके से होगा, कुछ इस तरीके, लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे। ठीक है, उस पर नहीं जाएंगे क्योंकि ये तो चलो सिंपल था, हमने बना दिया, अब टफ होंगे कब तक बनाएंगे। ठीक है, तो ये केवल नॉलेज के हल्का सा बता दिया, इसका ऐसे बनेगा। चलो आगे बढ़ो, ये जैसे अभी तक क्वेश्चन थी, मान लो ये रही इस कर्व की इक्वेशन। अब सुनो ध्यान से क्या कह रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन, इसका इक्वेशन फाइंड करनी है ऑफ अ लाइन हैविंग स्लोप माइनस, जिसका स्लोप क्या है माइनस 1 है एट दैट आर टेंजेंट। सुनो भैया
मान लो एक ये जा रही है लाइन, एक ये जा रही है लाइन, ये जा रही है लाइन, इसका स्लोप कितना है? माइनस वन। और ये बोला गया है कि जो ये लाइन है ना वो इस कर्व के लिए एज अ टेंजेंट है, बोला गया क्वेश्चन में, हम नहीं कह रहे हैं इसका स्लोप माइनस वन है। तो इस लाइन या इस टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है। कभी भी इक्वेशन जब फाइंड करनी होती है फॉर्मूला होता है वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एम, तो दिया गया है, अब कायदे में बस ये फाइंड कर ले एक्स कॉमा वाई बस चमका। तो यार क्या हम ऐसे लिख सकते हैं डी वाई ओवर डी एक्स एक्स कॉमा वाई इक्वल टू माइनस वन? हर क्वेश्चन याद देखो एक ही चीज हो रही है, किसी भी पॉइंट पर किसी टेंजेंट का स्लोप निकालने का फॉर्मूला ये होता है, और वो कितना दिया गया है? माइनस वन दिया गया। क्लियर है? तो करो इसका डिफरेंशिएशन। तो इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा, आई थिंक माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर आएगा, और माइनस का वन ये से क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल्स टू वन होगा, जीरो होगा, वन ही होगा। तो स्क्वायर जब हटेगा तो इस पर प्लस माइनस वन आएगा, तो एक बार लो प्लस वन तो x की वैल्यू कितनी है 2, और एक बार लोगे माइनस में तो x कितना आएगा 0। चमका? तो यार एक बार रखो भैया x की जगह 0, तो y कितना आएगा माइनस वन, तो क्या आएगा y कितना आएगा माइनस वन। एक बार रखो x की जगह 2 तो y कितना आएगा 1, तो दो इक्वेशन आएंगी भैया, रख दो यहाँ पे एक बार इसको लेके, तो y माइनस वाई वन बराबर एम एक्स माइनस एक्स वन, एक तो ये हो गई, एक बार इसको लेके y माइनस वाई वन तो प्लस हो जाएगा m x माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन कितना 0। क्लियर है? कहाँ पे डाउट हुआ प्रीति? देखो सब में यार एक ही बात हो रही है, इसका स्लोप गिवन था तो हमने इसके बराबर रख दिया सिंपल सा, क्योंकि dy ओवर dx हमें देता क्या है यार, हमको स्लोप ही तो बताता है उस पॉइंट पर। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 11 की फरमाइश आई देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ऑल लाइंस हैविंग अ स्लोप टू, ऊपर वाले की तरह ही है फिर भी बच्चा कह रहा है करो, तो चलो देखते हैं। अच्छा कह रहे हैं जिसका स्लोप कितना है 2 है, मान लो ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से ये जा रहा है, इस लाइन का स्लोप कितना है 2 दिया गया है, और कर्व की इक्वेशन क्या है 1 अपॉन एक्स माइनस 3। कह रहे हैं भैया वो इक्वेशन बतानी है इसके, मतलब सबसे पहले वही बात ये पॉइंट फाइंड करेंगे। तो यार क्या डी वाई ओवर डी एक्स एक्स कॉमा वाई को क्या 2 लिख सकते हैं? तो इसका करो डिफरेंशिएशन, इसको छोड़ा 0 हो गया माइनस इस, तो माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2, ये माइनस इस तरफ जाएगा, तो 1 अपॉन एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 2। क्लियर है? अब इसको उल्टा कर दो, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 1 बाई 2। अरे भाई स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस रूट में, ओके रूट के अंदर माइनस आ गया, मतलब ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, इमेजिनरी इमेजिनरी नंबर आ गया, मतलब कहने का मतलब सुनो क्या हुआ, आंसर तो आ गया आप लिखेंगे नॉट पॉसिबल, बस ये लिख के आ गए, लेकिन मीनिंग सुनो इसका क्या हुआ, मतलब अगर आप इसका कर्व बनाएंगे तो इस कर्व पे कहीं पर भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा कि जिस पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया और उसका स्लोप 2 हो, इम्पॉसिबल। इस पूरे जो इसका जेन्युइन कर्व होगा, जो इसका जेन्युइन कर्व होगा 3 ये रहा, 3 हम यहाँ पे रख नहीं सकते, इसलिए डॉटेड डॉटेड ये, और ये इस तरीके से, और ये इस तरीके, जो भी हाँ ये इसको टच नहीं करेगा, इस तरीके से जो ये इसका ग्राफ बनेगा, तो इस ग्राफ पर कहीं पर भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जिसका स्लोप 2 होगा, इम्पॉसिबल, क्योंकि देख लो यार इमेजिनरी आ गया, ये है इसका मीनिंग। चमका? पक्की बात है? अब आप समझ रहे ना कि मैं इसका ग्राफ कैसे बना रहा हूं, क्योंकि रेसिप्रोकल जो 1 अपॉन एक्स होता है, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हम लोगों ने पढ़ा था 11 क्लास में। अब यहां पे x माइनस 3 है तो 3 से इस तरफ हो जाएगा, बस बात खत्म। ठीक है, तो मीनिंग क्या हुआ, कर्व पे कहीं पर भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जिस पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और उसका स्लोप 2, इम्पॉसिबल, 2 नहीं होगा, 1.99 हो सकता है, 2 नहीं होगा, बात खत्म। क्या था इसमें तिवारी? यार देखो 12 क्वेश्चन भैया सब कुछ वही है, कह रहे हैं इसका एक कर्व बनेगा, पक्की बात है, इस कर्व पे एक पॉइंट ऐसा है, यहाँ पे स्लोप क्या है 0 दे दिया गया। तो यार मेरे भाई डी वाई ओवर इस पॉइंट को बताना है एक्स कॉमा वाई बराबर 0 के इक्वल, इसका कर देना डिफरेंशिएशन, 0 के बराबर कर देना, आ जाएगा पॉइंट, आ जाएंगे फिर इक्वेशन फाइंड कर देना।
13 क्वेश्चन तो पूरा एग्जाम्पल है डियर, पूरा एग्जाम्पल इन्होंने छाप दिया है। अब देखो जरा, कह रहे हैं कि इसमें एक ऐसे पॉइंट फाइंड करो जो कि पैरेलल हो एक्स एक्सिस। सुनो देखो, कायदे में ये एलिप्स है बट हम रफली फिगर ही बनाएंगे, हम जैसा अपना कंसेप्ट से भटकेंगे नहीं। मान लो क्या बनता कैसे है, ये से लिखो थ्री का इसका, ये भी यही तो दिक्कत है, इसे लिखो। अब अब वाई के साथ ज्यादा है ना, वाई के साथ ज्यादा तो हल्का था इस तरफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके ये तो बनवा ही दिया तुम लोगों ने, ठीक है सर। तो चलिए इस तरीके से ये होगा, क्या बोल रहे हैं कि एक ऐसा फाइंड अ पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट बताओ जो कि एक्स एक्सिस से क्या हो पैरेलल। सपोज इस तरीके ये पॉइंट होगा, ये एक्स एक्सिस के क्या होगा पैरेलल इस, ये पॉइंट सपोज एक्स कॉमा वाई होगा तो क्या इसका मतलब ये नहीं हो गया डी वाई ओवर डी एक्स एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप क्या होगा जीरो। अब करो इसका डिफरेंशिएशन, लेकिन कैसे करेंगे, ऐसे केस में वाई को एक तरफ बाकी सब एक तरफ, तो वाई स्क्वायर अपॉन फोर इक्वल्स टू वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन नाइन और वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्लियर है। अब इसका करो डिफरेंशिएशन, सुनो भैया 2y और y का dy वाई ओवर डी एक्स, बात समझ आ रही नहीं आ रही है, चलो मैं यहाँ पे करता हूँ ना, यहाँ क्यों कर रहा हूँ। तो 2y dy वाई ओवर डी एक्स इसका तो जीरो हो गया और माइनस का 2x अपॉन 90 इंटू 16, क्लियर है। तो dy वाई ओवर डी एक्स मेरे भाई यहाँ 2 से 2 सही हो गया, dy वाई ओवर डी एक्स माइनस का 16x अपॉन 9y, चमका। तो यहाँ पे रखो माइनस का 16x अपॉन 9y इक्वल्स टू जीरो, तो x बराबर कितना आ गया बेटा जीरो, तो रखो यहाँ पे x की जगह जीरो, तो ये पूरा क्या हो जाएगा जीरो, y कितना निकल जाएगा प्लस माइनस 4, तो एक बार 0,4 और एक बार 0,2 पॉइंट निकल के आ गए। अब इक्वेशन पूछिए, क्या पूछिए पॉइंट पूछिए, बस एक बार रख देना किसको, ये कह रहे हैं कि अगले केस में कह रहे परपेंडिकुलर है इसके, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/0 आ जाएगा बस, ठीक है एग्जाम्पल है पूरा। अब बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे हम लोग, आधे हो गए, कोई ऐसे भी कर ले, कैसे भी कर ले।